हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा ब्लॉग होता है दोपहर से स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो 12 बज रहे हैं, मैं आज बना रही हूँ चावल। तो आप देख सकते हैं मैं एक भगोनी में चावल बना रही हूँ। कुकर में ना चिपक से जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज भगोनी में चावल बना लेती हूँ। और दाल मैंने भिगो के रख दिया है, एक की दाल बनाऊंगी साथ में। और रोटी, रायता, सैलेड, जो भी दोपहर का हल्का सा खाना है ये बनाऊँ। अब ना गर्मियाँ आ गई हैं तो चावल तो होते ही होते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तब भी कम बनाती हूँ, गर्मियों में तो मैं प्रॉपर चावल ही बनाती जाता है। दोपहर में एक बार तो चावल बनते ही है। तो बस यही खाने की तैयारी कर ले रही हूँ, आपसे थोड़ी बातें कर ले रहा लग जाते हैं अपने काम में। दाल को चढ़ा देती हूँ, उसके बाद आटा लगा के रोटी वोटी बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर एक साथ खाएंगे। क्योंकि तो ज़्यादा लोग भी नहीं है, मेरे और मेरे हस्बैंड है, तो थोड़ा थोड़ा सा खाना बनाती हूँ और एक साथ हम दोनों खा लेंगे। तो चलते हैं खाना बनाने के। सबसे पहले मैं रख दी थी चावल बनाने के लिए, वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो चावल को ना मैं बेहतर कुकर में बनाती हूँ, लेकिन मैं कढ़ाई में इसलिए बना रही थी, मैं जल्दी जल्दी मतलब ये चुपक से जाते हैं, इसलिए मैं इनकी कुकर में बना लेती हूँ। मतलब कढ़ाई में और कुकर में रख दी थी मैंने दाल बनाने के लिए। तो ये मैंने दाल को थोड़ी देर भिगो दिया था, अरहर की दाल बना रही हूँ यहाँ पर मैं। इसको मैं भिगो दिया, इसको चढ़ा दूंगी तो ये भी दाल एक साथ दाल बन जाएगी, एक तरफ चावल बन जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा खाना बना रहे हैं, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है तो दाल चावल तो एक टाइम चलते ही हैं। दोपहर में तो दाल चावल बन ही जाते हैं, डेली का नहीं है लेकिन कभी कभी रह भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ दोपहर में दाल चावल बन ही जाए। तो इधर मैंने दाल में नमक और हल्दी डाली, इसी तरह मैं दाल को चढ़ा देती हूँ। और प्याज टमाटर मैं बाद में काट लूँगी तड़के के लिए, तो यहाँ पे प्याज टमाटर भी तड़के के लिए काटूंगी। साथ ही साथ ना मैं अपना काम भी करते जा रही थी, क्योंकि अभी ना मेरे हाथों में ली थी लेकिन मेरे कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने थे, तो मैंने सोचा कि काम को करके ना अपने कपड़ों को भी वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे अपने कपड़े भी धोने हैं, कुछ मशीन में लग रहे हैं तो इसलिए मैं कपड़ों को भी साथ साथ धो लूँगी। पहले प्याज टमाटर वगैरह सब काट के तैयार कर लेती हूँ। तो वही खाने पीने का दोपहर का काम है। तो प्याज को ना मैं यहाँ में बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, चॉपर में भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी इतनी प्याज नहीं काटनी है। तो दो तीन प्याज होती है तो मैं चॉपर में करती हूँ, एक ही प्याज काटनी है तो मैं ऐसे ही नॉर्मल काट लेती हूँ। तो यहाँ प्याज टमाटर दोनों मैंने बारीक काट दिया, और काट दूंगी साथ में हरी मिर्च को भी। और साथ में बनाऊंगी मैं रायता, सिंपल सा बूंदी का रायता बनाऊंगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ खीरे प्याज का, लेकिन आज मेरा खीरे प्याज का मन नहीं है। खीरे प्याज का जब रोटी वगैरह होती है ना तब मैं खीरे प्याज का बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च को भी काट देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने काट के तैयार कर ली हैं। ये ना नॉर्मल घर के काम होते हैं, खाने पीने का थोड़ा रहता ही है। और खाने पीने का सबसे काम होता है ना वो किचन में ही होता है। झाड़ू पोछा वो सब मेरा हो गया था, फ्रीज नहा धो के फ्री हो गई, नाश्ता भी हो गया था। तो बस अब मैं कर देती हूँ दोपहर खाने पीने की तैयारी, जो कि मैं तैयार करके रख दूंगी जैसे ही तब 11, 12:30, 1 बज जाएगा, उसके बाद हम खाना वगैरह खा लेंगे। कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम पे ही खाना हो। तो चावल मेरे बन गए थे, वो मैंने एक साइड रख दिया, और यहाँ पे जो कचरा था इसे फेंक देती हूँ। प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब काट दी हैं, जो कि मैंने तड़के के लिए। थोड़ा सा लगा लेती हूँ यहाँ पर मैं आटा, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गेहूँ का आटा थोड़ा सा। थोड़ी सी रोटी बनेंगी, यहाँ पे मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो आटा भी मेरा यहाँ लग के तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी है खाने की, और जब तक मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो चलते हैं फिर खाने की काम पे। तैयारी कर दी है मैंने। तो अब जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, कुछ मुझे हाथ से धोने हैं, कुछ मैंने मशीन में लगा दिए हैं। तो एक दो बार के धुलकर उनको सुखा देती हूँ हाथ से, जो मेरे नए कपड़े हैं कुछ, तो उनको मैं हाथ से धो के सुखा देती हूँ, तो ये काम भी हो जाएगा। उसके बाद में दाल में तड़का लगाऊंगी, दाल भी बन सीटी निकल जाएगी प्रॉपर। और उसके बाद रोटी बना के अपना खाना पीना कंप्लीट करूंगी, तो कपड़े भी धो लेते हैं। तो पहले कपड़े धो लेती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ कपड़े धोने के लिए, तो मैंने यहाँ टब में पानी ले लिया, और यहाँ पे लग गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने ये जो नॉर्मल कपड़े थे कलर छूट देते हैं उनको मशीन में नहीं धोती, और डेली वेयर के जो हमारे नए कुछ कपड़े होते हैं उनको मशीन में नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथ से धो ले रही हूँ सर्फ से, तो ये कपड़े भी साथ साथ धुल जाएंगे। जो मेरे हैवी कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह या कुछ जीन्स वगैरह, वो मैं ना मशीन में डाल देती हूँ, तो वो मेरे मशीन में धुल रहे हैं। और इनमें से कुछ कपड़े ना कलर छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही धोने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि एक से दूसरे कपड़े पर कलर ना लगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैं हाथ से धो देती हूँ। हाथ से मैं ज़्यादातर कपड़े नहीं धोती, बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से ही धोने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से भी धो लेती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाती, सारे काम कर लेती हूँ जो मैं अकॉर्डिंग मेरे से हो पाते हैं। तो यहाँ मैं पानी से निकालती जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े थे और इनको मैं अच्छे से एक से दो पानी में निकालूंगी, जिससे इनमें गंदा पानी ना रह जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे कपड़ों को निकालूंगी, इनको करूँगी ड्राई। ड्राई करने के बाद इनको मैं सुखा लूँगी। तो ना ये सब काम अपने साथ साथ हो रहे हैं, खाने पीने की तैयारी मैंने कर दी थी, मैंने आपको बताया। बस दाल में तड़का लगाने के लिए रह गया है, वो मैं इन कपड़ों धोने के बाद
कर दूंगी। तो यहाँ मशीन में भी कुछ कपड़े धुले तो इनको मैं अब सबको डाल देती हूँ सुखाने के लिए। ये हमारे ना पीछे ही घर के, मतलब हमारे पीछे ही जगह है, वहीं पे हम डाल देते हैं बालकनी में ही, मतलब हमें ऊपर वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्दियों में जाना पड़ता है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। पीछे डाल देते हैं, फैन चला देते हैं और बहुत ही आसानी से हमारे कपड़े सूख जाते हैं तो 1-2 घंटे में ही। तो यहाँ मैं सारे कपड़े कर देती हूँ। दोपहर का खाना बनाने के लिए ना आज ना मेरे को करनी है प्रेस भी, तो मैं उसको भी देखूंगी। बहुत सारे कपड़े हो गए मेरे प्रेस के लिए जो कि मुझे प्रेस करने हैं, तो उसी कपड़े की हम यहाँ पे प्रेस वगैरह करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा कहीं जाना है बाहर, उसके चक्कर में हमें यहाँ पे पूरी अपनी प्रेस वगैरह करके कपड़े भी तैयार करने हैं। दुपट्टे वगैरह ना मैं फोल्ड करके डालती हूँ, नहीं तो वैसे बहुत जगह लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए, पूरे ना 3-4 तार बंधे हुए हैं, सारे भर जाएंगे, इतने कपड़े हो गए थे। तो मैं ना कभी डेली के कपड़े तो डेली धो धो देती हूँ, लेकिन कभी ना कहीं चले जाते हैं तो उस टाइम कपड़े नहीं धुल कपड़े पाते, अपने मैंने तो धो इस के दिन अच्छे से सारे सुखा दिए हैं। तो मैं आ गई फिर से किचन में, और मेरी यहाँ पर देख सकते हैं कुकर में सीटी भी बज चुकी है। तो मैं लगा देती हूँ दाल में अब तड़का, तो गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई, और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। और अब लगा लेते हैं तड़का, प्याज टमाटर मैंने पहले ही काट लिए थे, तो चलते हैं। तो यहाँ पे ना मैं दाल में तड़का लगाने का स्टार्ट कर दिया, कपड़े वगैरह सूख गए थे। तो मैंने इसमें डाला ऑयल, इसमें डाला जीरा और जो हरी मिर्च प्याज टमाटर सब काट के रख लिए थे, एक एक करके सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से हम भून लेंगे। तो बस हमारी यहाँ पे दाल का तड़का भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। और दाल में तड़का लगाने के बाद बस हम बनाएंगे रोटी सब्जी और हमारा खाना हो जाएगा यहाँ पर रेडी। खाने से फ्री होकर फिर मैं करूँगी अपने और भी काम होते हैं बहुत सारे, देखो यही काम नहीं होता है अपने खाने तो बहुत काम होते हैं जो कि हम ब्लॉगिंग में नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन हमें 1 से 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है जो कि हम और अपना अपना काम कर सकते हैं, यूट्यूब का काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम फ्री ना बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं। यहाँ पे दाल में सारी चीज़ें भुन गई थी, इधर मैंने दाल डाल दी और इधर हमारा दाल में अच्छे से तड़का लग चुका है। तो यहाँ पे हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया मैंने बारीक चॉप करके रखा था, तो दोनों चीज़ों को ना मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, धनिया और हरी मिर्च को। तो दाल हो गई एकदम रेडी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और मैं ना एकदम पतली दाल नहीं बनाती, थोड़ी सी काली ही गाढ़ी दाल ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादा पतली दाल नहीं खाते हैं। तो यहाँ लगा लेती हूँ मैं थाली, रायता भी बना के मैंने सेट रख दिया था, तो रायता डाल देती हूँ, 2 प्लेट लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर। और दाल डालूंगी इसमें मैं, दाल मेरी बन गई है। और इधर रख दूंगी मैं थोड़े थोड़े से चावल, यहाँ पर थोड़े थोड़े से चावल रख देते हैं, 2-2 रोटी बन जाएंगी, सो ये हमारा यहाँ पर खाना हो जाएगा एकदम रेडी। तो बस ना एक साथ खाना लगा लेते हैं और एक साथ खा लेंगे, मेरे हस्बैंड बोलते हैं एक साथ ही लगा लो, एक साथ ही खा लेंगे, क्योंकि रोटी ही तो बनानी है, खाना पीना हमारा एकदम फ्री हो गया था। उसके बाद मैं कर रही थी बर्तन, आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए थे, मैं तो यहाँ पर पहले मैंने नहीं किए थे, तो सारे बर्तन खला लिए मैंने और सबको मैंने एक एक करके यहाँ पर वॉश कर दूंगी। किचन ना गंदी ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, मेरे को होता है कि साथ के साथ बर्तन साफ़ हो जाए, साथ के साथ किचन साफ़ हो जाए, तो किचन ना अच्छी लगती है देखने में भी। तो बस इसीलिए ना मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह करके अब मैं फिर जाऊँगी फ्री और मैं अपने करूँगी कुछ काम। तो यहाँ पे मैं लग गई थी आज दोपहर में ही प्रेस करने के लिए, तो इनकी ना कुछ टी शर्ट वगैरह मैंने धोई थी तो उन पर साथ साथ प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि सुकड़ जाती है ना मशीन में ड्रायर करने के बाद, थोड़े कपड़े सुकड़ भी जाते हैं, तो मैं यहाँ पर सब पर प्रेस मार लेती हूँ। तो मैं बाहर ही बैठ गई थी, टीवी भी चल रही थी, साथ साथ मैं मतलब प्रेस भी कर लूँ, तो फिर ही नहीं बैठना चाहिए साथ से, कुछ ना कुछ आप बैठे बैठे कुछ काम अपना कर लो, तो मैं वही मेरा रहता है। तो मैं ऐसे ही मेरा दिन का रूटीन रहता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको ऐसे ही अपने डेली ब्लॉग लाती रहूँगी, जो मैं दिन में करती हूँ, जो मेरा रूटीन रहता है मैं वही लाऊँगी, मैं आपके लिए कोई फेक नहीं लेके आऊँगी कि वीडियो के लिए मैं कुछ और करूँ और अपना नॉर्मल कुछ रूटीन रहता है। मेरा घर का भी डेली यही रूटीन रहता है, अपने घर के काम करना, कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर भी कहीं चले जाते हैं।